हेलो सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ले रही हूँ क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड, विषय है हिंदी। विषय है हिंदी। तो बच्चों आपको मैं पढ़ा रही हूँ स्वर वर्ण मिलाकर बनाए हुए शब्द। स्वर और वर्ण मिलाकर बनाए हुए शब्द, जैसे कि आपको मैंने अभी तक आपको मैंने वर्ड्स दिया है, ओके। तो आप भी नियमित रूप से ये पढ़ते रहिए। उसी के साथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ओके। तो आज मैं नए नए फाइव वर्ड्स देने वाली हूँ उसी के साथ, और एक बार आपका रिवीजन लेने वाली हूँ, जैसे कि अ से लेके आहा तक जो नए शब्द है ना उसका, और एक बार आपको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है आपको, और एक बार आप समझाती हूँ उसी के साथ। आप भी मेरे साथ ये बोलिए, जैसे कि अ से अनेक, ओके बच्चों यहां देखो, अ से अनेक, अ से अचार, अ से अगला, अ से अचकन, अ से अचरज, अनेक मेनी, अचार पिकल, अगला नेक्स्ट, अचकन लॉन्ग कोट, अचरज सरप्राइज, आ से आलस लेजीनेस, आकार आ से आकाश, आ से आसन, आ से आदर, आलस लेजीनेस, आकार शेप, आकाश स्काई, आसन सीट, आदर रिस्पेक्ट। तो बच्चों आपको ये मालूम है लेजीनेस शेप ये आकार होता है, स्काई यानी आसमान होता है, उसी के साथ आसन यानी सीट यानी बैठना होता है, रिस्पेक्ट यानी बच्चों रिस्पेक्ट यानी आपको मालूम है रिस्पेक्ट यानी बड़ों को आदर देना, ओके। किसी भी बड़े व्यक्ति जैसे कि आपके घर में या बाहर या अदर टीचर या आपसे बड़े भी, जो भी है उन्हें आदर से बोलना, आदर से रिस्पेक्ट देना, उसे रिस्पेक्ट देना बोलते हैं, ओके। तो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ ई से इधर, ई से इनाम, ई से इलायची, ई से इत्र, ई से इतना, इधर दिस साइड, इनाम प्राइज, इलायची कार्डमम, इत्र परफ्यूम, इतना दिस मच, इधर नहीं दिस साइड आपके पास, इनाम यानी प्राइज, इलायची आपने देखा ही होगा, इत्र यानी परफ्यूम। सो ईश्वर, ई से ईश्वर, ई से ईमान, ई से ईश्वर, ई से ईसाई, ई से ईश्वर गॉड, ईमान फेथ। सो फेथ यानी बच्चों विश्वास, किसी जैसे कि फेथ यानी भगवान पे विश्वास करना, आस्था रखना भगवान को, हम आस्था से उन्हें नमन करना, इसे फेथ बोलते हैं, विश्वास रखना उन पर। ईश्वर यानी अ लिटल, ईसाई क्रिश्चियन, उसे उगना, उसे उचित, उसे उत्तर, उसे उतना, उसे उड़ना टू ग्रो, उचित राइट, उत्तर आंसर, उतना दैट मच, उड़ना टू फ्लाई, उसे उष्मा, उसे ऊपर, उसे ऊप, उसे ऊर्जा, उसे उधम, उष्मा यानी हीट बहुत गर्मी धूप होता है, ऊपर यानी अपसाइड, ऊब यानी बॉर्डम, ओके, ऊर्जा एनर्जी, उधम हरली बरली यानी बहुत जल्दी जल्दी करना, गड़बड़ करना, फास्ट करना, इसे हरली बरली बोलते हैं, ओके। फेथ और हरली बरली का आपको मैंने मीनिंग समझाया है, ओके बच्चों। उसी के साथ रू से रुचा, वैदिक हैम है, वैदिक हैम यानी पुराने जमाने में जैसे कि लोग यज्ञ वगैरह करते थे उसे वैदिक हैम बोलते हैं। रू से रुन, डेप्ट, रू से रुनी, डेप्टर, ऋतु सीजन, रुद्धि प्रॉस्पेरिटी, ऐसे एडी, ऐसे एहसान, ऐसे एकता, ऐसे एकदम, ऐसे एकत्र, ओके।
एडी हिल, एहसान ऑब्लिजेशन, एकता यूनिटी, एकदम सडनली, एकत्र टुगेदर, एकत्र नहीं सब मिला के मिलकर, एकदम इन्हें अचानक होता है, एकता यानी यूनिटी हम सब मिलके, ऑब्लिजेशन मीन्स एहसान यानी किसी पर आप एहसान कर सकते हो, जैसे कि किसी कौन भी मुसीबत में होता है ना उसे हेल्प करना, ओके ऐसे एहसान बोलते हैं। एडी यानी हिल, ऐसे ऐश्वर, ऐसे ऐक, ऐसे ऐसा, ऐसे ऐतिहासिक, ऐसे ऐब ऐश्वर ओपिलेंस, ऐक ऐक्य यूनिटी, ऐसे ऐसा सो ऐतिहासिक हिस्टोरिक, ऐसे ऐब डिफेक्ट। ऐतिहासिक यानी क्या बच्चों, ऐतिहासिक यानी बहुत हमारे राजा राजा लोग जो थे ना, नवाब राजा लोग, उसे उस काल का जो हिस्टोरिक उस जमाने का ऐतिहासिक माना गया है, ओके जैसे कि उनका जो राज 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 चलाते थे ना बच्चों, उसे ऐतिहासिक जैसे कि हमारे हिस्ट्री में लिखा गया है। ओ से ओर, ओ से ओकाई, ओ से ओस, ओ से ओजल, ओ से ओट, जैसे कि ओर एनी साइड आपके ओर, दिस साइड दैट साइड, साइड एनी हमारे पास हमारे बाजू, ओकाई यानी नौसिया, ओकाई मीन्स नौसिया यानी ओकाई यानी जी मचलना, बहुत घबराहट होना, ओके ओस यानी ड्यू, जो मॉर्निंग टाइम में बच्चों आपको पेड़ों पौधों पर ओस दिखाई देते हैं, ओके उसे ड्यू बोलते हैं। ओजल, ओजल आउट ऑफ साइट मीन्स, आउट ऑफ साइट मीन्स यानी बच्चों ओजल मीन्स दूर दृष्टि होना, आपकी दृष्टि से बहुत दूर होना। ओट यानी लीफ, ओ से ओर, ओ से ओकाई, ओ से ओस, ओ से ओजल, ओ से ओट, ओके औसे औसे औरस, औसे औषध, औसे औसत, औसे और, औसे औलाद, ओके औरस, औरस मीन्स लेजिटिमेंट, लेजिटिमेंट मीन्स लेजिटिमेंट मीन्स औरस यानी एक न्याय होता है जो समान होना चाहिए, एक न्याय संगत ऊंची उचित करना, समझ में आ गया बच्चों, न्याय देना, औरस मीन्स न्याय देना। औषध मेडिसिन, औसत औरेज, इतना औरेज उतना जाता है, इतना यानी गति होता है बच्चों, और यानी एंड औलाद यानी प्रोजेनी, औलाद प्रोजेनी जैसे कि औलाद को संतान भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं। औसे औरस, औसे औषध, औसे औसाद, औसत औसे और, औसे औलाद, ओके। अम से अंकुर, अम से अंकुश, अम से अंग, अम से अंधा, अम से अंतर। अंकुर यानी स्प्राउट, जो बीज, स्प्राउट यानी जमीन में आप थोड़ा बीज थोड़ा डालिए, थोड़े दिनों के बाद उसे पानी थोड़ा डालने के बाद आपको अंकुर दिखाई देगा, वो बीज को छोटा सा अंकुर देगा, दिखाने लगेगा आपको, उसे स्प्राउट बोलते हैं। अंकुश हुक, अंग लाइन, अंधा ब्लाइंड जिसे दिखता नहीं, अंतर डिस्टेंस बहुत दूर तक, आहा अंत यानी ह का उच्चार आता है, अंत हैंस दुख शारो, दुख शारो सौरो, दुख सौरो दुसह, दुसह यानी इंट्रो सॉरी इंटो लेबरल, इंटो लेबरल प्रांत अर्ली इन द मॉर्निंग, पुनः अगेन, ओके तो बच्चों अगेन वन टाइम सी हियर, ऐसे आज जो नए वर्ड्स हैं ना उसके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ।
ओ से ओकाई, ओ से ओस, ओ से ओजल, ओ से ओठ और साइड, ओकाई ओकाई नौसिया, ओस ड्यू, ओजल आउट ऑफ साइट, ओट लीफ, औसे औरस, औसे औषध, औसे औसत, औसे और, औसे औलाद, औरस औरस लेजिटिमेंट, औषध अ मेडिसिन, औषध औसत औरज औरेज, और एंड औलाद प्रोजेनी प्रोजेनी. ओके नेक्स्ट, अम से अंकुर, अम से अंकुश, अम से अंक, अम से अंधा, अम से अंतर. यानी यहां देखो, अम से अंकुर यानी स्प्राउट, अंकुश यानी हुक, अंग यानी लाइन, अंधा यानी ब्लाइंड, अंतर यानी डिस्टेंस. अहा अंथ, हेंस दुख सौरो, दुसह इंटो लेवरल, प्रांत प्रातः, प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग, पुनः अगेन. तो बच्चों आज आपको दो पेज होमवर्क दे रही हूँ, जैसे कि आज आपको ओ से बनने वाले दो वर्ड्स और औ से लेके अ से लेके आहा तक पूरे और एक बार में लेने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ मैं दो वर्ड्स देने वाली हूँ. तो बच्चों यहाँ देखो, आज आपको एक नए वर्ड्स देने वाली हूँ, आप भी अपने बुक में लिखिए. जैसे कि यहाँ देखिए, ओ से ओस, ओ से ओट, ओ और स लेना है, ओ स ओस ओ ठ, ऐसे दो वर्ड्स बनते हैं. ओ से ओ स, ओके ओ स, ओ ठ, ओ ठ, ओके. नेक्स्ट, अब औ से बनने वाले शब्द औषध यानी मेडिसिन, आपको स्वर में से औ लेना है, व्यंजन में से श और ध लेना है, औषध औषध. औ से और, औ से और. अम से अंग, अंगनी अपना पूरी पूरा बॉडी, अंग. अंधा यानी ब्लाइंड, जिसे दिखाई नहीं देता उसे अंधा बोलते हैं.